गरीबी में जन्म लेना आपके हाथ में नहीं है, किंतु गरीबी से उभरना आपके हाथों में है। दो, हार मान कर बैठने से अच्छा है विपरीत परिस्थितियों का डटकर सामना करें। तीन, ईश्वर के बिना सहयोग के तुम कभी सफल नहीं हो सकते। सदैव अपने ईश्वर को प्रसन्न रखो, चाहे वह ईश्वर लौकिक हो या अलौकिक। चार, साधारण व्यक्ति जहां हार मान कर बैठ जाता है, वही सफल व्यक्ति संघर्ष आरंभ करता है। पाँच, जो लोग स्वयं से प्रेम करते हैं, वह समय की बर्बादी नहीं करते, वह तो अपने को और अधिक सुंदर बनाने की कोशिश करते हैं। छह, जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को आरंभ करने के लिए सचमुच तैयार रहता है, तो वह कार्य सुविधाजनक रूप से संपन्न हो जाता है। सात, जब हम किसी को आर्थिक रूप से मदद देते हैं, तो उसकी गरीबी दूर नहीं होती, बल्कि उसकी गरीबी कुछ दिनों के लिए टाल देते हैं। ऐसा करके हम उसके कार्य क्षमता को बाधित कर देते हैं। आठ, प्रतिभा सभी के भीतर समान रूप से विद्यमान होती है, बस उन्हें अवसर देने की आवश्यकता होती है। नौ, लालची व्यक्ति अधिक समय तक अमीर बना नहीं रह सकता। लालच धन के साथ साथ व्यक्ति के निर्णय को भी प्रभावित करता है। दस, जल्दबाजी किसी भी क्षेत्र में नुकसानदेह होती है, चाहे वह सफलता का क्षेत्र हो या अमीर बनने का। जय हिंद, जय भारत।